नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो कौन सी ऐसी बैंक्स हैं जिनके क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हैं इजीली, और इनके क्रेडिट कार्ड ज्यादा पॉपुलर भी होते हैं और ज्यादा बढ़िया भी होते हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि वो कौन सी बेस्ट बैंक है जो अच्छे क्रेडिट कार्ड आपको प्रोवाइड करती है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मनी रिलेटेड कॉन्टेंट आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। तो देखिए, जब भी क्रेडिट कार्ड की बात होती है तो यहाँ पे एक चीज हमको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि हम क्रेडिट कार्ड एक्चुअल में कैसे चूज कर रहे हैं, क्योंकि किसी क्रेडिट कार्ड में हो सकता है कि फ्यूल भरवाने पे आपको ज्यादा बेनिफिट मिले, किसी में आपको मूवी टिकट बुक करने में ज्यादा बेनिफिट मिले, कोई क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री हो सकता है, किसी क्रेडिट कार्ड में आपको एयरपोर्ट लाउंज ज्यादा मिल सकते हैं, किसी में रेलवे लाउंज ज्यादा मिल सकते हैं, किसी में ट्रैवल बेनिफिट ज्यादा मिलते हैं, किसी में ऑनलाइन ई कॉमर्स से आप शॉपिंग करोगे तो आपको ज्यादा रिवॉर्ड या ज्यादा कैशबैक मिल सकते हैं। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपना क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करें कि आपकी जरूरत क्या है। अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं तो आप वो कार्ड चुने जिसमें ट्रैवल बेनिफिट ज्यादा है, या फिर आप इंटरनेशनल वगैरह कहीं जाते हैं तो आप वो चुने जिसमें इंटरनेशनल लाउंज आपको मिल जाए, या आप ऑनलाइन ई कॉमर्स पे ज्यादा शॉपिंग करते तो आप वो वाला कार्ड चुने जिस पे आपको ज्यादा रिवॉर्ड मिले, और आपको फ्यूल बहुत ज्यादा भरवाते हैं तो आप वो वाला चुन ले जिस पे आपको फ्यूल में ज्यादा बेनिफिट हो। लेकिन हम बात करें कि कौन सी वो बैंक्स हैं जिनके क्रेडिट कार्ड ज्यादा बढ़िया है और अच्छे क्रेडिट कार्ड वो प्रोवाइड करती है। अच्छा, इस वाली वीडियो में मैं जितने भी बैंक से जितने भी क्रेडिट कार्ड की बात करूंगा उनके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप इजीली क्लिक करके अप्लाई कर सके। सबसे नंबर वन पे जो बैंक आता है वो है एक्सिस बैंक। अब ये एक्सिस बैंक नंबर वन पे क्यों आता है, क्योंकि इसके काफी सारे क्रेडिट कार्ड बहुत ज्यादा पॉपुलर है और आपको हर कैटेगरी के, हर सेगमेंट के, हर बेनिफिट के आपको क्रेडिट कार्ड यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसे भी मिल जाएंगे जिनमें आपको हर तरह के बेनिफिट मिलेंगे, चाहे वो मूवी बेनिफिट हो, चाहे वो लाउंज बेनिफिट हो, चाहे वो रेलवे लाउंज बेनिफिट हो, चाहे वो रिवॉर्ड हो, हर तरह के मिल जाएंगे। इसके कुछ पॉपुलर क्रेडिट कार्ड की अगर बात करें तो एक्सिस का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड बहुत पॉपुलर है, मैं खुद यूज करता हूँ, बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा एक्सिस का माईजोन क्रेडिट कार्ड बहुत पॉपुलर है, एक्सिस का एक IOL करके आता है इंडियन ऑयल कार्ड, वो भी बहुत बढ़िया है। इसके अलावा एक्सिस का रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड है, एक्सिस का प्रिविलेज है, ये बहुत अच्छा है। और अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो एक्सिस का विस्तारा कार्ड बहुत अच्छा है, विस्तारा इन्फिनाइट बहुत ही बढ़िया है। तो एक्सिस एक ऐसा बैंक है जो आपको हर कैटेगरी में हर बेनिफिट के साथ या मल्टीपल बेनिफिट के साथ बहुत सारे क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है। इनका सिस्टम बहुत बढ़िया है, इनका जो ऐप है उसको यूज़ करना बहुत बढ़िया अच्छा लगता है, मतलब उसका UI बहुत ईजी है और बहुत ही बढ़िया मुझे ये कार्ड्स लगते हैं। मैं खुद एक्सिस के काफ़ी सारे जो क्रेडिट कार्ड है वो यूज़ करता हूँ। और आपको अगर एक्सिस का कोई भी क्रेडिट कार्ड के बारे में एक प्रॉपर वीडियो देखना है तो आपको हमारे ही चैनल पे मिल जाएगी। आप जो भी क्रेडिट कार्ड अपने लेना चाहें उसकी पहले डिटेल वीडियो देख ले और फिर उसे अप्लाई कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट बैंक है वो भाई साहब वैसे तो बहुत लीडिंग बैंक है, HDFC। इसके जो क्रेडिट कार्ड है ना ये भी आपको अलग अलग सेगमेंट में मिल जाएंगे, और अगर आपका HDFC में अकाउंट है तो ये आपको प्री अप्रूव्ड कार्ड भी दे देते हैं। इनके HDFC मनी बैक क्रेडिट कार्ड हो गया, फिर मिलेनिया हो गया, रिगालिया हो गया, फिर और भी बहुत सारे इनके जो है प्रीमियम टाइप के भी कार्ड बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। HDFC ने कोलैब भी बहुत सबके साथ किया हुआ है, वो कार्ड भी आपको मिल जाएंगे। जैसे HDFC का स्विगी कार्ड है, फिर HDFC ने टाटा के साथ टाटा न्यू प्लस ये क्रेडिट कार्ड भी आपको मिल जाएंगे। HDFC के पास क्रेडिट कार्ड की एक भरमार है और इनके कार्ड जो है इजीली अप्रूव हो जाते हैं। इनमें बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, अलग अलग सेगमेंट के बेनिफिट मिलते हैं, मल्टीपल सेगमेंट के बेनिफिट भी मिलते हैं, और इनमें से भी बहुत सारे कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री ऑफर के साथ भी मिल जाएंगे। कार्ड इजीली अप्रूव हो जाते हैं, पॉपुलर है, हर जगह काम आते हैं। और इनका भी अगर देखें तो क्रेडिट कार्ड का जो सेगमेंट है वो काफ़ी बड़ी रेंज है, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो HDFC का क्रेडिट कार्ड जरूर यूज़ करते होंगे, मैं भी इनका क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ। तो आप इनके भी बहुत सारे जो क्रेडिट कार्ड है जैसे मिलेनिया हो गया, रिगालिया हो गया, मनी बैक हो गया, ये सारे क्रेडिट कार्ड वो हैं जो काफ़ी बढ़िया है, और इनके भी मैं लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जाके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब नंबर अगर 3 की बात करें तो वो भाई साहब सबका पहचाना हुआ बैंक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इनके क्रेडिट कार्ड्स की अगर बात करें तो मोस्टली अगर जॉइनिंग और एनुअल फीस की बात करें तो 499 प्लस के आसपास होती है। इनके जो सिंपली क्लिक है, सिंपली सेव है, ये कार्ड काफ़ी पॉपुलर है। इसके अलावा प्रीमियम किस्म के SBI के एलिट कार्ड है, और भी SBI में बहुत सारे कार्ड आते हैं, SBI कैशबैक कार्ड आता है, लेकिन इनके कार्ड इतने पॉपुलर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि SBI बैंक में भी काफ़ी सारे अलग अलग सेगमेंट के आपको कार्ड मिलते हैं। इसके साथ आपको SBI का एक BPCL भी होता है जिसमें आप पेट्रोल भरवाते हैं, फ्यूल भरवाते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा छूट मिलती है। तो हर सेगमेंट के कार्ड आपको मिल जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जितने भी मैंने बैंक बताया जैसे एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और SBI बैंक, इनके कार्ड्स में एक और भी खास बात है कि जब भी कोई ऑनलाइन सेल चलते हैं, चाहे वो ई कॉमर्स पे किसी पे भी चले, अमेजन या फ्लिपकार्ट पे,
तो इन कार्ड्स पे आपको ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलते हैं, ये कोलैबोरेशन करते हैं सेल में और ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलते हैं। तो चाहे आप एक्सिस के लो कोई कार्ड ले लो, HDFC का ले लो, SBI का ले लो, आपको तीनों में ही बेनिफिट रहेगा। SBI का भी अगर कोई क्रेडिट कार्ड आपको चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके भी किसी कार्ड की अगर प्रॉपर वीडियो देखनी है तो आपको हमारे ही चैनल पर मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर फोर्थ की। अब नंबर फोर्थ का जो बैंक है ये अभी काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, लेकिन इसके कार्ड कुछ कुछ पहले कुछ कुछ रीजन में मिलते थे, लेकिन अभी मैंने देखा है कि जगह जगह इसकी भी ब्रांच खुल गई है, और ये है IDFC बैंक। अब खासियत ये कि IDFC बैंक के पास इतने कार्ड है, मतलब बहुत सारे कार्ड है। अगर आपका सिविल स्कोर कुछ है ही नहीं तो आप मतलब ये मानो FD करके भी IDFC का वाउ कार्ड ले सकते हैं, वो काफी बढ़िया कार्ड है। आप FD कराइए और ले लीजिए, अगर आपका IDFC में अकाउंट है तो 2000 की FD पे मिल जाएगा, अदरवाइज 5000 की FD पे इजीली ये कार्ड मिल जाता है। इसके अलावा IDFC के जितने भी कार्ड होते हैं वो लाइफ टाइम मोस्टली फ्री होते हैं। इसके भी IDFC क्लासिक हो गया, सेलेक्ट हो गया, इसके अलावा IDFC मिलेनिया हो गया, IDFC का वेल्थ कार्ड हो गया, इनके भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये भी आप ले सकते हैं। IDFC के पास इतने सारे कार्ड है और सब मोस्टली लाइफ टाइम फ्री है। और अगर आप बेनिफिट की बात करोगे तो ये मल्टीपल बेनिफिट के साथ आते हैं, यानी आपको लाउंज एक्सेस भी मिल जाएगा, रिवॉर्ड भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन रिवॉर्ड मिल जाएंगे, ऑफलाइन रिवॉर्ड मिल जाएंगे, और इनके क्रेडिट कार्ड भी अब इजीली अप्रूव होने लग गए और हर रीजन में इनकी ब्रांच खुल गई तो हर रीजन में आपको मिल जाते हैं। तो जो भी क्रेडिट कार्ड आपको लेना हो IDFC बैंक का, वो मोस्टली आपको लाइफ टाइम फ्री मिलेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि आपको बेनिफिट रहेगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसको भी अप्लाई कर सकते हो। और किसी भी कार्ड की अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो मोस्टली कार्ड पर मैंने डिटेल वीडियो अपने चैनल पर बनाई हुई है। अब मैं एक कार्ड और आपको रिकमेंड करूंगा, और ये भी बिल्कुल फ्री का कार्ड है, लाइफ टाइम फ्री है, इसमें भी कोई ज्वाइनिंग कोई एनुअल फीस नहीं है, और ये फेडरल बैंक की तरफ से आता है। ये उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको अनलिमिटेड डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिल जाता है। इवन इसकी जो ऐप है वो काफी इजी है, उससे अगर आप मान लो कोई भी फ्लाइट बुक करते हैं, होटल बुक करते हैं, तो भी आपको काफी अच्छे रिवॉर्ड देखने को मिल जाते हैं। इस कार्ड का नाम है स्कैपिया क्रेडिट कार्ड, तो लाइफ टाइम फ्री है, और सबसे अच्छी बात है कि ये अब इजीली अप्रूव हो जाता है, और इसमें लिमिट आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। इस कार्ड का जो अप्लाई लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब इन जितने भी मैंने बैंक्स बताए, इनमें से क्या कोई भी क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं या कौन सा आप लेना चाहते हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।